झारखंड में बढ़ाई गई लॉकडाउन की अवधि 6 मई सुबह 8 बजे तक जारी रहेगा। लॉकडाउन दोपहर 2 बजे तक ही खुली रहेंगी दुकानें। झारखंड में बढ़ाई गई लॉकडाउन की अवधि 6 मई सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। लॉकडाउन दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें। इस्पात अस्पताल को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाने की मांग। रोटरी क्लब ने मैकॉन के चीफ मैनेजर को लिखा पत्र। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। सीएम पर वायरस की चेन बढ़ाने के आरोप। कोरोना केस कम दिखाने के चक्कर में किया जा रहा राज्य का नुकसान। पटना में बीते दिन मिल रहे 207 कोरोना मरीज। इलाज में 45 मरीजों की हुई मौत। एनएमसीएच में 16, आईजीआईएमएस में 4 की मौत। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव लगातार सरकार पर कोरोना में किए जा रहे कार्य को लेकर निशाना साध रहे हैं। एक बार फिर पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता को लेकर सरकार पर बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने सरकार से कहा कि जब मरीजों को आईजीआईएमएस और एनएमसीएच ने रेमडेसिविर को मना किया जाता है तो उन्हें ये लिखकर क्यों दिया जाता है। साथ ही उन्होंने सरकार पर बिचौलियों के साथ खड़े होने का आरोप लगाया और रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग बंद करने की मांग की। पटना को 3000 किनको क्या दिए आप? 800, कहीं 20, कहीं 30, कहीं 50, कहीं 100, कहीं 200, कहीं 10, कहीं 20 सिविल सर्जन को। डॉक्टर एक पेशेंट को लिखते हैं 6, एक पेशेंट को 6। यदि किसी को 20 अलॉट हुआ तो छत्री के 18, 3 आदमी। यदि 50 अलॉट हुआ तो 8 पेशेंट। और एक जिले में 9000, 10000, 12000, 13000 पॉजिटिव केस है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, लगातार पप्पू यादव सरकार पर निशाना साध रहे हैं, एक के बाद एक पप्पू यादव किसी न किसी मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर तौर पे जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव बिहार के हर विषम परिस्थितियों में सड़कों पर उतरते हैं, जनता के बीच होते हैं, जनता का हालचाल जानते हैं। इसी कोरोना के विस्फोट के वजह से लगातार एनएमसीएच, आईजीआईएमएस, पीएमसीएच के साथ साथ दूसरे जिलों का दौरा कर रहे हैं, जहां पर सरकार की स्वास्थ्य सेवाएं जो बिल्कुल नाकाफी दिख रही है और सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे पप्पू यादव। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रोज सुबह शाम दोपहर निकल जाते हैं, किसी इमरजेंसी कॉल पे चले जाते हैं। मतलब एक नेता की जो भूमिका होती है एक जनता के बुलाने पर, शायद तमाम नेताओं को अब सीखने की जरूरत है कि पप्पू यादव ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं, कहीं वेंटिलेटर की व्यवस्था करा रहे हैं तो कहीं दवाई मुहैया करा रहे हैं, तो कई चीजों को लेकर ठीक है वो हो सकता है वो सुर्खियां बटोरने के लिए कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कम से कम कर रहे हैं ये चीजें जनता को अच्छी लग रही है कि पप्पू यादव निकल रहे हैं। और ऐसे में बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं पर लगातार पप्पू यादव हमला बोल रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। जब कोरोना का फेज वन था तो भी, फेज टू के दौर में भी वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत है, कालाबाजारी है, दवाओं को लेकर के जो सरकार के मन में जो असमंजस की स्थिति है, खास करके रेमडेसिविर को लेकर के, जब सरकार पहले ये कहती है कि ये कोई रामबाण नहीं है, सरकार के द्वारा बुलवाया जाता है, सिविल सर्जन के द्वारा, अधीक्षक के द्वारा। दूसरी बात, इसी दवाई को लेने के लिए, इसी दवा को लाने के लिए विशेष विमान मुहैया कराए जाते हैं और गुजरात से अहमदाबाद से पटना 14000 जो शुरुआत तौर में लाई गई, और अब इसकी कालाबाजारी का आरोप लगा रहे हैं पप्पू यादव सरकार के सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर। और ये कह रहे हैं कि सरकार जिस तरह से इस दवा की डोज को अलग अलग जगहों पर
कहीं प्राइवेट अस्पताल में दे रही है तो जहां जरूरत नहीं है वहां मुहैया कराने का मकसद आखिर कहीं ना कहीं कालाबाजारी को बढ़ावा देना, यही आरोप लगा रहे हैं पप्पू यादव। और आज भी पप्पू यादव कई अलग अलग अस्पतालों का जायजा लेंगे, निरीक्षण करेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। और लगातार जिस तरीके से पप्पू यादव जनता के बीच जा रहे हैं और प्रमुख मुद्दों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की भी कोशिश कर रहे हैं, सरकार से ब्लैक मार्केटिंग को बंद करने की मांग पप्पू यादव के द्वारा की गई है, रेमडेसिविर को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सर्जरी वार्ड में एक मरीज की मौत के बाद बुधवार की सुबह लगभग 4 बजे जमकर हंगामा किया गया, तोड़फोड़ की गई। इससे आक्रोशित इस अस्पताल के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। मरीज के आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल के सर्जरी वार्ड के बाहर कई सामान क्षतिग्रस्त कर दिए। इसके बाद डॉक्टरों के साथ गाली गलौज करने लगे। हालात ऐसे हो गए कि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने अपनी जान बचाने के लिए खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया। गुस्साए लोगों ने कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों ने डर से कमरे का दरवाजा नहीं खोला। जिस समय यह घटना हुई उस समय कोई भी पुलिसकर्मी यहां मौजूद नहीं था। कोरोना के इस दौर में जिस तरह दवाइयां और किराना का सामान की कालाबाजारी हो रही है, उसको देखते हुए कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने सरकार और जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया और साथ ही जिलाधिकारी को पत्र लिखकर सभी दवा दुकानदारों और किराना दुकानदारों को कालाबाजारी रोकने के लिए मूल्य तालिका दुकान के बाहर लगाए जाने की भी मांग की। जीवन रक्षक दवाइयां का कालाबाजारी हो रहा है, दुगनी तुगनी कीमत में बिक रहा है। जो किराना दुकान है वहाँ भी जो सामग्री है सबके रेट बढ़ा दिए गए हैं इस कोरोना संक्रमित के काल में। और जो आपको उदाहरण स्वरूप बताएं, कुछ दवाइयाँ जैसे ऑक्सीमीटर बहुत ज़रूरी है, लोग आजकल रखते हैं। पहले 1000 से 1200 रुपये में मिलता था, अभी 2500 से 3000 रुपये में मिल रहा है। आप फेविफ्लू टेबलेट था, जीवन रक्षक दवाई 125 रुपये करके मिलता था, अभी 250 से 300 रुपये में लोग बेच रहे हैं। एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट जो करीब 100 रुपये में मिलता था वो अभी 500 रुपये में मिल रहा है। आपको बता दें अभी ये इस समय में पूरा प्रशासन फेल्योर है। मैंने अभी जिला अधिकारी को पत्र लिखा हूँ कि सब दुकानदारों को बोलिए सबका रेट डिस्प्ले करे, सभी किराना दुकान रेट को डिस्प्ले करे, ताकि इस मानवता की घड़ी में आज कम से कम कालाबाजारी नहीं होनी। बिहार में कोरोना संक्रमण ने एक ओर लोगों की कमर तोड़ रखी है तो दूसरी ओर बाजार में दवाई की क्राइसिस लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है। बात करें कटिहार जिले की तो लोग दवाखाने में दवाइयों की कमी से जूझ रहे हैं। कोरोना काल में उपयोग की जा रही कई दवाई दुकानों से आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। दवा की किल्लत आम जनता के साथ साथ दवाई दुकान के मालिकों के लिए भी सर का दर्द बना हुआ है। इस मामले में कटिहार के जिलाधिकारी उदयन मिश्र ने वर्चुअल मीटिंग कर स्टॉकिस्ट को जिले में जल्द से जल्द दवाओं को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। दुकान घूमे उसमें से दवाई नहीं मिल रहा है, जैसे कि आइवरमेक्टिन हुआ और डॉक्टर एक्सेल हुआ और जिंको भीट हुआ टैबलेट, फेविफूल हो गया और ये विटामिन सी की लिमसी टैबलेट, ये सब नहीं मिल रहा है। कई सारी दुकानें देखे, ये सब प्रॉब्लम अभी आ रहे हैं, नहीं मिल रहा। कार्बोल प्लस भी नहीं मिल रहा है। ध्यान में भी आया है कि कई बेसिक दवाएं जो कोविड में लोग लेते हैं, विटामिन सी डी जिंक या भाप लेने की मशीन से भाप लेते हैं, उसमें डालने वाला जो कैप्सूल होता है वो डाल के भाप लेते हैं, या ऑक्सीमीटर, इस प्रकार के चीज़ों की कमी है। और कई जगह से मुझे ये भी जानकारी प्राप्त हुई कि उन सामानों को, उन सामग्रियों को, दवाओं को MRP से अधिक में बेचा जा रहा है।
इसको ध्यान में रखते हुए मैंने केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन जो कटिहार का है उसके साथ कल रात में एक वर्चुअल बैठक की है। असल में दवाई बहुत सारी दवाइयाँ जो कोरोना को लेकर के बताई गई है हम लोगों को अवेलेबल नहीं हो पा रही है स्टॉकिस्ट के माध्यम से, जिसमें कि आपको ब्लिमसी हो गया, आइवरमैक्टिन टैबलेट्स हो गए, फेविफ्लू टैबलेट्स हो गए, पल्स ऑक्सीमीटर हो गए, ये सब हम लोगों को अवेलेबल ही नहीं पा रहे हैं स्टॉकिस्ट के माध्यम से, जिसके कारण हम लोग कस्टमर को अपने ग्राहक को दे नहीं पा रहे हैं दवा। जिनके परेशानी ग्राहक को हो रही है अवेलेबिलिटी के नहीं होने के कारण उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना का प्रकोप जारी है और कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से काफी जिलों में अस्पताल की कमी देखने को मिल रही है। ताजा मामला समस्तीपुर का है, जहां अस्पतालों की संख्या बढ़ाने समेत अन्य मांगों को लेकर भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने शहर के विवेक विहार मोहल्ले में प्रदर्शन किया। मांग दिवस मना रहे हैं, ये भाकपा माले के राज्यव्यापी कार्यक्रम का एक हिस्सा है। इसके तहत हम लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार तमाम प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में जो कोविड पीड़ित हैं, कोविड पीड़ित के लिए 50% बेड आरक्षित करे। हर अस्पताल में हर प्रकार की दवा उपलब्ध हो, बेड की व्यवस्था हो, भरपूर ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, डॉक्टर उपस्थित रहे। इन तमाम मांग को लेकर हम लोग आज मांग दिवस मना रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले में 4 दिनों तक कोरोना की आरटीपीसीआर जांच पर रोक लग गई है। इस दौरान किसी भी केंद्र पर आरटीपीसीआर जांच के सैंपल नहीं लिए जा रहे। तो वहीं संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि जिले में करीब 9000 आरटीपीसीआर जांच पेंडिंग है, जिसका जांच होने बाकी है। फिलहाल मरीज की जांच एंटीजन किट से की जा रही है। बिल्कुल नहीं है, जिसकी आवश्यकता है वो कराई जा रही है। कुछ पहले से कुछ दिनों के पेंडिंग थे, 2-3 दिन लग रहे थे, इसको हम लोग स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं कि 24 घंटे में आरटीपीसीआर की जांच का रिपोर्ट सभी को मिल जाए। इसको लेकर के आरटीपीसीआर को जो पहले से जो पेंडेंसी है उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं, और जैसे ही ये क्लियर हो जाएगा तो हम लोग 24 घंटे में आरटीपीसीआर जांच की रिपोर्ट देने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, ताकि आरटीपीसीआर जांच के आधार पर जिसको अपना इलाज कराना हो उसको समय से, निश्चित रूप से समय से उसको रिपोर्ट मिले। जिला में एक ही जगह है जो मेडिकल कॉलेज में होता है आरटीपीसीआर टेस्ट, वहाँ पे 5000 सैंपल पेंडिंग में है, इसलिए 5 दिन के लिए बंद कर दिया गया। उसको क्लियर करके उसके बाद टेस्ट किया जाएगा सैंपल। उनको इंतजार करना पड़ेगा 5 दिन के लिए। अभी रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए देवघर के कई सीएचसी में ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल किए जाएंगे। इसके लिए देवघर, मधुपुर, सारठ और पलौजोरी सीएचसी को चयनित किया गया। इस बात की जानकारी देवघर की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने स्थानीय कोविड अस्पताल का निरीक्षण करने के दौरान दी है। नैन्सी सहाय ने ऑक्सीजन स्टेशन स्थापित किए जाने से जिले में ऑक्सीजन की कमी दूर होने की उम्मीद जताई। साथ ही उपायुक्त ने जिला प्रशासन को कोरोना से निपटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार बताया। कोविड अस्पताल हम लोगों ने इसको घोषित किया है, और पिछले वर्ष भी हम लोग यूज़ कर रहे थे एज कोविड हॉस्पिटल, लेकिन अभी केसेस क्योंकि बहुत बढ़ गए हैं और क्रिटिकल केसेस हैं, तो करीबन यहाँ पे हम लोग जितने बेड्स लगाए हैं और 50 बेड हम लोग यहाँ बढ़ाने की हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ऑक्सीजन और रिलेटेड जो इश्यूज हैं, पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन प्लांट के लिए भी एक स्टेशन के लिए हम लोग आज यहाँ पे हम लोगों ने बातचीत की है, और कोशिश करेंगे कि जो क्रिटिकल केसेस हैं वो मतलब यहाँ सुचारू रूप से उसका इलाज हो सके।
रांची पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। राजधानी रांची के कोयला क्षेत्र खिलारी और मैक्स लूसगंज इलाके में सक्रिय उग्रवादी संगठन JJMP का सदस्य और मोस्ट वांटेड अनिल लोहरा और संदीप लोहरा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस और मोबाइल बरामद किए गए। इसके साथ ही SP ने जानकारी देते हुए बताया है कि ये गैंग काफी दिनों से सक्रिय चल रहा था। अभी देखा तो एक पखवारे से हम लोग ये सूचना प्राप्त हो रही थी, खास तौर से बुरमू मैकलुस्की गंज और खिलारी वाला एरिया में कि प्रतिबंधित पार्टियों में से कुछ एक नई दूसरी पार्टी हम लोगों को क्षेत्र में प्रवेश किया है। वो JJMP का नाम से कई जगह पर्चा भी हम लोगों को देखने को मिला था और आम लोगों से को थ्रेट किया गया था, पैसा भी वसूला गया था लेवी स्वरूप, ये जानकारी हम लोगों को मिली थी। आपको बता दें कि आरोपी के कब्जे से देसी कट्टा, कारतूस और तमाम चीज़ें बरामद की गई हैं। अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। कड़ी मशक्कत के बाद रांची पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोयला क्षेत्र खिलाड़ी और मैकलूसगंज इलाके में सक्रिय उग्रवादी संगठन JJMP के सदस्य और मोस्ट वांटेड अनिल लोहरा उर्फ संदीप लोहरा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को इस दौरान बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अनिल लोहरा को गिरफ्तार किया गया है। देसी कट्टा, कारतूस और मोबाइल जैसे तमाम सामान बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही SP ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है और बताया है कि ये गैंग काफ़ी दिनों से सक्रिय चल रहा था और पुलिस इसकी जांच कर रही थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ये कामयाबी हासिल की है। झारखंड में 1 मई से 18 से 45 साल के लोगों को कोरोना की वैक्सीन नहीं लग सकेगी। केंद्र सरकार के फैसले के बाद भी युवाओं को वैक्सीन लगाने का यह अभियान झारखंड में शुरू नहीं हो पाएगा। झारखंड ने 50 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया है, लेकिन वैक्सीन निर्माता कंपनियों को अभी वैक्सीन देने से हाथ खड़े कर दिए। कंपनियों ने कहा है कि केंद्र सरकार का ऑर्डर पूरा करने में ही 15 से 20 मई तक का समय लग जाएगा, इसलिए झारखंड को 1 मई तक वैक्सीन मिलना संभव नहीं है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पहले से चल रहे वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सरकार से मिले वैक्सीन की करीब 6 लाख डोज उपलब्ध हैं, लेकिन केंद्र ने राज्यों को अपने कोटे के वैक्सीन का उपयोग राज्यों को 18 से 45 साल के लोगों को करने से मना किया है। राज्य में करीब 2.25 करोड़ युवा वर्ग के लिए राज्यों को खुद वैक्सीन खरीदनी होगी। झारखंड ने जो ऑर्डर दिया है उस पर करीब 200 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। तो आपको बता दें कि 18 से 45 साल के लोगों को कोरोना वैक्सीन नहीं लगेगी। जिस तरीके से झारखंड में तैयारियां की जा रही थी 1 मई से कोरोना वैक्सीन लगाने की 18 साल से ऊपर के युवाओं को, तो कहीं ना कहीं अब उसमें अड़चन भी आती हुई दिख रही है। केंद्र सरकार के फैसले के बाद भी युवाओं को वैक्सीन लगने का यह अभियान झारखंड में शुरू नहीं हो पाएगा। झारखंड ने 50 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया था, लेकिन वैक्सीन निर्माता कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं वैक्सीन देने से। कंपनियों का कहना है कि सरकार का ऑर्डर पूरा करने में लगभग 15 से 20 मई तक का समय लग सकता है और इतनी जल्दी 1 मई तक वैक्सीन मिलना संभव नहीं है, तो कहीं ना कहीं अब जो युवा है 18 साल से ऊपर के, उन्हें वैक्सीन लगाने में परेशानी आ सकती है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं, युवा हैं, उन्हें टीकाकरण अभियान 1 मई से शुरू किया जाना था, लेकिन अब कंपनियों ने ही हाथ खड़े कर दिए हैं टीका देने के लिए कि वैक्सीन इतनी जल्दी नहीं बन पाएगी। की आयु से अधिक लोगों के टीकाकरण की अगर बात कर लें तो झारखंड की कुल आबादी में 2.20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी आयु 18 साल से ऊपर की है। अब अगर इसमें हम बात कर लें 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लगभग 90 लाख लोगों की संख्या है।
कुल फासला जो है वो 1,30,00,000 लोगों का बनकर आता है, जिसके लिए 2,60,00,000 डोजेज की जरूरत होगी। 45 साल से ऊपर के आयु के लोगों का टीकाकरण का अभियान चल रहा है। 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए कल देर शाम 4 बजे से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो जो टीका की संख्या है, क्योंकि झारखंड में लगभग 2,200 केंद्रों से टीकाकरण किया जाना है और यहाँ के लिए रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, इसमें प्रति टीका केंद्र 100 व्यक्तियों को टीका दिया जाना है। कुल मिलाकर कहा यह जा सकता है कि एक दिन में लगभग 2,25,00,000 लोगों को टीकाकरण किया जाना है। तो इस प्रक्रिया में जो टीका की मात्रा है या जो खुराक है, वह राज्य सरकार के पास अभी तक उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाई है, जिसको लेकर स्वास्थ्य केंद्रों में और जिन निजी अस्पतालों में थोड़ी असमंजस की स्थिति बरकरार है। क्योंकि कल देर शाम से जब से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से लेकर अब तक की अगर माने तो निःशुल्क या पैसे चुकाकर टीका लेने वाले केंद्रों में रजिस्ट्रेशन में थोड़ी परेशानी देखने को मिल रही है, क्योंकि इन केंद्रों में टीका अभी तक पहुंच नहीं पाया है। स्वास्थ्य महकमा, राज्य सरकार इस दिशा में कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है कि इस व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाए। कुंदन जी, तो कमी कहां पर देखने को मिल रही है कि तमाम जिस तरीके से सरकार की तरह से तैयारियां की जा रही थी वैक्सीनेशन को लेकर, कि 1 मई से 18 साल की ऊपर के युवाओं को वैक्सीन लगाई जाएगी, तैयारियां सरकार की तरफ से की जा रही थी, लेकिन अब जो कमी हुई है इसकी वजह से वैक्सीन को क्या रोक दिया जाएगा? देखिए, ऐसा रोकने की जरूरत तो नहीं है, यह इस अभियान को रोका नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, यह हो सकता है कि कुछ केंद्रों में टीकाकरण की शुरुआत ना हो पाए, बाकी इस केंद्रों में शुरुआत हो सके, या फिर प्रति केंद्र जो 100 लोगों का टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है, वह उतनी मात्रा में लोगों को टीका न दिया जाए, उस संख्या को घटा दिया जाए। तो अभी राज्य सरकार और स्वास्थ्य महकमा झारखंड का इस संबंध में एक कह सकते हैं पॉलिसी बनाने की तरफ बढ़ रहा है कि आखिर टीका की मात्रा अगर राज्य तक नहीं मुहैया हो पाती है, वो टीका निर्माता कंपनियों के द्वारा या बाकी जो दूसरे सप्लाई चेन है उसके जरिए, तो किस तरीके से और किस प्रकार लोगों के टीकाकरण अभियान को जारी रखा जाए, इन तमाम चीजों बिंदुओं पर काम हो रहा है। अब देखना यह होगा कि अगले 36 घंटों में राज्य सरकार कितनी तैयार हो जाती है। जी आस्था जी, जिस तरीके से अभी बात सामने आई है कि टीका की कमी है और टीके की कमी की वजह से इस अभियान को क्या बढ़ाया जा सकता है, और कंपनियों का कहना है कि 15 मई से पहले नहीं दे पाएंगे सप्लाई? देखिए, ऐसा एक बड़ी चीज यह है कि 45 साल से अधिक आयु के लोगों के टीकाकरण की प्रक्रिया जारी है, और इसके लिए राज्य सरकार के पास लगभग 6,00,000 डोज मौजूद हैं। तो कोशिश यह होगी राज्य सरकार की कि उन 6,00,000 डोजेस के जरिए पहले 2-3 दिनों का काम शुरू किया जाए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रतिदिन लगभग 2,25,00,000 लोगों का लक्ष्य रखा गया है। तो इस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो लगभग 3 दिनों की मात्रा टीके की राज्य में उपलब्ध है। अब राज्य सरकार टीका निर्माता कंपनियों के जरिए या बाकी दूसरे संसाधनों से कितनी तेजी से और किस मात्रा में टीका को उपलब्ध करा पाते हैं, यह तो समय बताएगा, लेकिन थोड़ी परेशानी शुरुआती 1-2 दिनों में आने की संभावना है, गुंजाइश बन रही है। अब इसमें देखना है भी यह होगा कि राज्य सरकार और स्वास्थ्य महकमा कितनी तत्परता से तमाम चीजों को, तमाम कमियों को दूर कर पाता है। बिल्कुल, टीके की कमी की वजह से असर तो जरूर देखने मिलेगा। जिस तरीके से कंपनियों ने साफ मना कर दिया है कि 15 मई से पहले सप्लाई नहीं दे पाएंगे, 1 मई से टीका शुरू होना था, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार ने लक्ष्य रखा था उसे पूरा करने में थोड़ी परेशानी जरूर आ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो झारखंड में 1 मई से टीका लगाने की शुरुआत की जानी थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब बीच में अड़चन आती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से टीके की कमी देखने को मिल रही है, हालांकि 45 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण चल रहा है और अभी 6,00,000 डोज बाकी है, और सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया था कि 2,00,000 कम से कम युवाओं को हर दिन टीका लगाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इस लक्ष्य पर भी असर देखने को मिलेगा। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।